तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत कमेंट आए कि भाई वो लोग अपना पले रमी के जो पैसा होता है वो अपने खाते में नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैसे को नहीं अपने पले रमी में ऐड कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप लोग को पैसा कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, और अपने पले रमी में आपका पैसा ख़त्म हो जाता है तो पैसे को कैसे अपने पले रमी अकाउंट में ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा कभी भगाने का कोशिश मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग ऐसा ऐसा वीडियो देखना होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले जाना है माई अकाउंट पर, जो देख सकते हैं आपको कोने पर दिखाई दे रहा होगा माय अकाउंट। तो आप लोग को माय अकाउंट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम माय अकाउंट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा लोडिंग हो रहा है, बस थोड़ा वेट कीजिए। देखिए हमारा ये ऑप्शन खुल गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आता है ऐड मनी, जो आपको देख रहे हैं किनारे पहले पर ऐड मनी। तो आप लोग को ऐड मनी मतलब है आप लोग जैसे पेटीएम प्ले रमी गेम खेलते हैं तो आपका पैसा मतलब पूरा हार जाते हैं, आपके खाते में पैसा नहीं बचता है। तो यहाँ से आप अपने पले रमी में पैसा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है। ऐड मनी पर चलते हैं हम। तो अपने ऐड मनी पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने ये ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पर देखिए पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कॉस्ट डिपॉजिट अमाउंट मिनिमम 100 रुपये, मतलब आप 100 रुपये से कम नहीं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये ऐड करेंगे तो नहीं ऐड होगा। 100 रुपये से ऊपर जितना चाहें उतना यहाँ पर आप लोड अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर 100 रुपये डालना है, 100 रुपये डालिए, 200 रुपये डालना है, 200 रुपये डालिए। और कम मान लीजिए आप 100 रुपये पड़ गया हमारा, आप देखिए आप 100 रुपये 100 रुपये हमारा पहले से पड़ा है, आप लोग यहाँ 100 रुपये डाल दीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ 100 रुपये डालेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट दिया होगा ऑप्शन, तो आप लोग सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर ले आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड है तो यहाँ उससे भी बहुत आसानी से पैसा आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए पहले क्या करना होगा, आपको दिया है नेम ऑन कार्ड, मतलब आपका जो एटीएम पर जो आपका नाम है वो नाम सेम नाम यहाँ पर डालना होगा ऊपर। उसके बाद दूसरे के ऊपर है, देखिए यहाँ पर दूसरे पर है कार्ड नेम नंबर, कार्ड नंबर आपको यहाँ कार्ड नंबर जो होता है वहाँ पर 16-17 अंक का होता है कार्ड नंबर, सीधा कार्ड नंबर पूरा यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर एक्सपायरी डेट, तो देखिए आपको एक्सपायरी डेट देता है। तो आपके एटीएम के में देखिएगा आपको दिया होगा एक्सपायरी डेट है, तो वहाँ पर मंथ जो दिया होगा मंथ यहाँ पर डाल दीजिएगा, वर्ष जो दिया होगा वर्ष पर वर्ष डाल दीजिए, कौन सा वर्ष में मतलब आपका एक्सपायरी डेट कब ख़त्म हो रहा है ये डाल दीजिए। उसके बाद आ जाता है सीवीवी नंबर, सीवीवी नंबर पर आने के बाद आपको देखिए एटीएम के पीछे बैग जाएंगे तो आपको लास्ट में 3 अंक का एक कोड दिखेगा, जो 3 अंक का खाली सिर्फ 3 ही अंक का होगा, चाहे जो भी कुछ हो 3 अंक का रहेगा कोड, वो यहाँ पर आप सीवीवी नंबर उसको बोलते हैं यहाँ पर डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा नीला कलर में, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका पैसा अपने रमी में ऐड हो जाएगा। अगर जो आप लोग इस आपके पास मतलब ये नहीं है, मान लीजिए आपके पास एटीएम नहीं है तो क्या करना है, एटीएम नहीं है तो आपके पास कोई तो बैंक होगा, तो नेट बैंकिंग में आपको चले जाना है। यहाँ ऊपर से नेट बैंकिंग जाएंगे तो आपको बहुत सारा बैंक मिलेगा, तो आपका बैंक कौन सा है मतलब आप चॉइस करना है, आपको SBI है, स्टेट बैंक है, मतलब कोई भी इलाहाबाद हो, पंजाब हो, कोई भी बैंक यहाँ से हो, जो भी आपका खाता है यहाँ पर बैंक का खाता ले लेना है। लेने के बाद इसमें आपका कोड वोड मांगेगा, जो कि कोई भी बैंक हो तो उसका IFC कोड, अकाउंट कोड, होल्डर नेम, जितना नाम होगा आपको यहाँ से नाम डालेंगे और अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट पहले से वहाँ पड़ा ही है, अमाउंट डाल देंगे आपका EVP हो जाएगा। उसको देखिए यहाँ पर आता है वॉलेट, वॉलेट से मान लीजिए आपको पेटीएम है, पेटीएम से पैसा डालना है, जियो मनी है, गूगल पे है, कोई भी हो, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप अगर जो चलाते हो पेटीएम चलाते हो तो पेटीएम से भी पैसे बहुत आराम से पे कर सकते हैं। तो आप लोग पेटीएम वाले क्लिक करना है, पेटीएम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेटीएम नंबर मांगेगा, जो आपका नंबर होगा पेटीएम नंबर वो डाल देना है। मोबाइल मतलब किस मोबाइल पर आप पेटीएम नंबर चलाते हैं वो मतलब जो नंबर लिंक रहता है पेटीएम से वही नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। आप देखिए जैसे हम पेटीएम पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने अभी ऑप्शन खुल जाता है, देखिए खुल गया था, हमारा नीचे देख रहा है मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन और पेटीएम, मतलब आपका जो नंबर है उस नंबर पर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको उस नंबर को यहाँ पर शो कर देना है, जो नीचे देख रहे हैं हमारा नंबर दिखा रहा है उस वहाँ पर आप लोग को
शो कर देते। पहले देखिए हम इस नंबर को ब्लोर किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ आप नंबर डालेंगे तो आपका पेटीएम शो को क्लिक खुल जाएगा, उसके बाद वहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अपने ऐड मनी के ऊपर तो समझ ही लिया होगा आपको ऐड कैसे पैस करना है, आप लोग ऐड तो कर ही पाएंगे। उसके बाद आप देखिए आगे चलते हैं, आप लोग को बताते हैं विड्रा कैसे करना है, पैसे को मतलब बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से आपको हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम विड्रा ऐप चलते हैं, दूसरा नंबर पर आपको विड्रा ऐप चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना होगा, या मोबाइल नंबर नहीं वेरिफिकेशन हुआ है, वेरीफाइड हुआ है, तो आप लोग यहाँ से वेरीफाइड पर आपका अपना मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ से आप इसको वेरीफाइड कर लेना। उसमें कुछ करना नहीं, बस वेरीफाइड नंबर डाल के यहाँ वेरीफाइड करना, ऑटोमेटिक OTP कोड आएगा और आपका नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रेंड देखिए दूसरा नंबर पर आपका KYC डॉक्यूमेंट्स, ये तो होना आपका बहुत ज़रूरी है, वो ये नहीं रहेगा तो आप पैसा को ट्रांसफ़र नहीं बैंक में कर पाएंगे, तो KYC को फुल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए फुल KYC करने के लिए नीचे आपको दिया होगा फुल KYC डॉक्यूमेंट्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ऑप्शन एक खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आपका मांगा है देखिए पेन KYC डिटेल्स, मतलब पेन KYC डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे, देखिए आप क्या क्या मांगता है। देखिए फ्रेंड्स आपके पास पेन कार्ड होना चाहिए, अगर पेन कार्ड है तो पेन कार्ड तो आपको लगाना ही पड़ेगा, पेन कार्ड रहेगा तभी सही है। तो आपका पेन कार्ड नंबर वहाँ पर डाल देना है, ऊपर देख सकते हैं पेन कार्ड नंबर डालना। उसके बाद उस पेन कार्ड का एक फ़ोटो स्कैन कर अपलोड जो दिया है किनारे पर, यहाँ आप लोग को पेन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना है, एक साफ़ सुथरा मतलब फ़ोटो स्कैन कर लीजिएगा, खींच लीजिएगा मोबाइल कैमरे हिसाब से, उसको यहाँ से इसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको दिया है सेव वाले ऑप्शन पर, आपको डालकर यहाँ पर सेव कर देना है। उसका फ्रेंड्स आ जाता है देखिए KYC आईडी टाइपिंग, यहाँ पे आता है तो KYC आईडी नंबर। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप KYC आईडी टाइपिंग पर टच करेंगे तो आपको ये ऑप्शन खुलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका मांगता है मतलब कौन सा आप मतलब एक आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ देना है, जैसे मान लिया आधार कार्ड हो गया, चाहे वोटर आईडी हो गया, कोई भी मतलब एक आपको इसमें से पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपको एक इसमें से अपलोड कर देना। मान लीजिए आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे वोटर आईडी क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पर आपका नंबर, वोटर आईडी का जो नंबर होता है वहाँ पर नंबर दिया होता है 3-4 अंक का, वो नंबर को आपको यहाँ पर KYC आईडी नंबर पर यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर दिया होगा यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब उसका एक फ़ोटो आपको क्लिक कर देना। फ़ोटो क्लिक कर यहाँ पर आप उस फोटो को, यहाँ पर आप उस फोटो को अपलोड कर देना, KYC आईडी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आप लोग फोटो को अपलोड कर देना। उसके बाद देता है आपको सेव KYC, मतलब जब पूरा आपका हो जाए कंप्लीट तो आप सेव KYC पर दबाकर इसको सेव कर दीजिएगा। तो आपके मान लीजिए पहला वाला हो गया, तो आपको जाना दूसरा जो दिया है बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको यहाँ पर जाना है बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मान लीजिए बैंक में पैसा मंगाना है तो यहाँ पर आपको पूरा बैंक का पता डालना पड़ेगा, आपका बैंक जो भी हो, कुछ हो, कोई भी बैंक हो। तो यहाँ पर आपको बैंक को जो ऊपर दिया इंटर IFSC कोड, मतलब IFSC कोड, तो आपको यहाँ पर नीचे जो दिया है बॉक्स, इसमें IFSC कोड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर दिया अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर नेम पर आपको सेम आपको जो अकाउंट में आपका नाम है सेम वही नाम यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम पर आपको डालना है। उसका फिर आपको चले जाना है अकाउंट नंबर, फिर आपको यहाँ सेम अकाउंट नंबर डालना है, जो आपका अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा मंगाना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर, अपने खाते के अकाउंट नंबर सेम, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए, एकदम देख के सही भरना है आपको। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जाना है फ्रेंड देखिए अकाउंट, आप देखिए कन्फर्म अकाउंट नंबर, यानी फिर से एक बार और वही नंबर फिर आपको यहाँ दूसरा बॉक्स में वही नंबर सेम डालना है, दूसरा कोई नहीं डालना है, सेम वही नंबर आपको डालना है। डालने के बाद आपको दिया गया अपलोड, मतलब आपका बैंक पासबुक का एक फ़ोटो खींच लीजिएगा, पन्ना पलट कर जहाँ पर अकाउंट नंबर दिया होता है, जो आपका नाम वाम रहता है उसका एक फ़ोटो खींच लीजिएगा अपने बैंक पासबुक का। वहाँ पर आपका बैंक पासबुक का फ़ोटो खींचने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे आपको दिया होगा सेव बटन, तो इसको भी आप लोग सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स फिर ये वाला दूसरा भी प्रोसेस पूरा हो गया आपका, तो आपको जाना है तीसरा पर जो दिया है एड्रेस डिटेल्स, तो आप लोग एड्रेस डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। तो अब देखिए एड्रेस डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको दिया है एड्रेस लाइन 1, तो आपको एड्रेस यहाँ पूरा फिल करना है, आपका कौन सा एड्रेस है पूरा यहाँ पर ऊपर एड्रेस टाइप कर देना है। उसका दिया है एड्रेस लाइन 2, मतलब आप अगर जो जैसे आपके मान लीजिए एक गाँव में घर है, एक मतलब आपका कहीं और मतलब कोई रूम है, वहाँ लेकर रहते हैं, तो आप दोनों एड्रेस पे आप ये सेम बदल कर डाल सकते हैं। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो दोनों लाइन में एक ही एड्रेस आपको फिल कर देना है। दोनों एड्रेस फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स आ जाना है
स्टेट सेलेक्ट मतलब स्टेट यहाँ दिया है सेलेक्ट स्टेट, तो आपका कौन सा स्टेट है तो आपको यहाँ देखिए मिल जाएगा। तो आप स्टेट जा सकते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ सब अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोई भी कर्नाटक कोई भी हो, तो आपका जो होगा उत्तर प्रदेश होगा, यूपी होगा, मतलब आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपका यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट पड़ गया लाइन एड्रेस पर, उससे आपको सिटी पूछेगा कौन सा सिटी है, तो आपका सिटी जो भी हो तो आपका सिटी जो रहेगा वो सिटी मतलब कहाँ पर रहते हैं आप, उस सिटी वहाँ पर डाल दीजिएगा, वो कंट्री आपका इंडिया हो जाएगा। उसका पिन कोड एक होता है जो अपने गांव का जो शहर का एक पिन कोड होता है आपको, तो 6-7 अंक का पिन कोड होता है, तो वहाँ पर आपको पिन कोड अपलोड कर देना होगा। पिन कोड अपलोड करने के बाद आपको दिया होगा अपलोड एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास जैसे मान लीजिए आधार कार्ड होगा या चाहे कोई ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट्स हो जिस पर आपका पूरा पता लिखा हो, आधार कार्ड भी जो पीछे जाएंगे तो आपका एड्रेस नाम वाम पता होता सब लिखा रहता है, तो आपका जो एड्रेस है उस आधार कार्ड का आगे पीछे दोनों को खींच लीजिएगा, और खींच कर फोटो आपको पिक्सल लैब में चले जाना, वहाँ जाकर दोनों आगे पीछे का फ़ोटो सेम आपको लगा कर उसको सेव करके यहाँ पर फिर अपलोड कर देना, दोनों आगे पीछे का दोनों लोड कर देना, कि मतलब ये देखने में किसी को ये ना लगे कि मतलब ये फेक है फोटो, मतलब अप डाउन दोनों का आगे पीछे का आपको यहाँ पर अपलोड करना हो। अपलोड करने के बाद आपको दिया होगा देखिए सेव का बटन, अपलोड फुल कॉपी और एड्रेस प्रूफ, मतलब आपका सब पूरा कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको नीचे मिल रहा होगा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, मतलब यहाँ से आपका पूरा तीनों स्टेप फुल अपने भर दिया है पूरा, तो आपका यहाँ से सबमिट करेंगे, नीचे दिया है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, आपका यहाँ पूरा जितना भी आपने यहाँ फिल किया है आपका सब सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका एड्रेस आपका जो अकाउंट नंबर था आपको हमने सब ले लिया। तो आपका सब जब फिल हो जाएगा, उसके बाद फिल होने के बाद जब आप यहाँ आएंगे माय अकाउंट पे, जैसे आप आएंगे यहाँ पे माय अकाउंट पे, जैसे देखिए आप यहाँ पर आते हैं, जैसे विड्राफ चले जाते हैं, विड्राफ जाने वाली जो देख रहे हैं वेरीफिकेशन मोबाइल नंबर हो के वाई सी डॉक्यूमेंट्स हों, तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, आपको सीधा यहाँ से आपका बैंक यहाँ पर शो कर देगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा जो पहला दूसरा दिख रहा है, ग्रीन कलर हरा कलर हो जाएगा आपका मतलब, तो यहाँ से केवाईसी नहीं करने के बोलेगा आपको, सीधे पैसा ट्रांसफ़र करने के बोला जाएगा। तो यहाँ पर अपना अमाउंट डाल सकते हैं कि मतलब आपको कितना यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आप 200 500 600 जो भी ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ से डालकर, आपको सेव कुछ नहीं अकाउंट नंबर में कुछ नहीं डालना पड़ेगा, बस सेव 200 डालना, 200 क्लिक करके आपको टच करेंगे तुरंत आपके बैंक में खाते में पैसा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया होगा अच्छी से तो बताइएगा, तो हम दोबारा इस वीडियो को हम अच्छी तरह से इसको मतलब पूरा अपलोड कर करके आपको हर चीज़ को यूज करके दिखाएंगे। अभी तो हमने आपको इसमें पूरा समझाने की कोशिश किया है, लेकिन हम लाइव प्रूफ आपको करके दिखा देंगे कि कैसे आपको भरना है, क्या करना है, पूरा हम भर कर आपको बारीकी से समझाएंगे। अब समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर कमेंट करना भाई कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरा वीडियो लेकर इसके ऊपर आ जाऊँगा और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो किसी को मतलब अच्छा बुरा लगे ऐसा ना हो, लेकिन हम देखिए जो भी वीडियो बनाते हैं फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं आपके पसंद लायक आपको समझने लायक वीडियो को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियो देखनी है हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हम किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती हमको नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिए कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, दूसरा वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।